अफगानी तंदूरी समोसा है। खुश आमद कैफे अफगान, ये म्यूनीज है, ये म्यूनीज भी हम खुद बनाते हैं। तो सलाम वालेकुम इंडिया, पूरा इंडिया। दिक्कत, मेरा पापा आर्मी था ना। ऐसा स्वाद लेकर आया हूँ, बटला हाउस का स्वाद है। जाकिर नगर के पास में बटला हाउस है, जबरदस्त अफगानिस्तान का स्वाद है भाई साहब। दिखाता हूँ अफगानिस्तान के समोसे, अफगानिस्तान का शावरमा, अफगानिस्तान की रोटी, अफगानिस्तान के कबाब। और मुस्तफा भाई यहाँ पर लगा रहे हैं, तो सबसे पहले मैं आपकी इनसे मुलाकात करा दूँ, फिर अफगानिस्तान का स्वाद और जायका भी आपको दिया जाएगा। वेलकम टू अफगान कैफे, खुश आमदीद बाग कैफे अफगान, हर ग्लास अफगान कैफे में। तो सलाम वालेकुम इंडिया, पूरा इंडिया। यहाँ पे मेरा नाम है मुस्तफ़ा खान, यहाँ पे हम अफगानी आइटम बेचने के, अफगानी शवरमा और अफगानी बर्गर भी है हमारे पास, अफगानी चपली कबाब, अफगानी चिकन समोसा। अफगानिस्तान में सिटी से, काबुल। काबुल से? हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे कब से? यहाँ पे एक साल से हो गए। वहाँ क्या करते थे? वहाँ पे भी है, यहाँ पे रेस्टोरेंट भी। रेस्टोरेंट में? जी। कहाँ पे? काबुल में, सिटी में। अच्छा, किस नाम से? खान फास्ट फूड में। अच्छा जी। अभी भी है? अभी नहीं, अभी नहीं है, बंद कर दिया। अभी बंद है, जब तालिबान आ गया हम बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? तालिबान से वजह से, क्योंकि काम हल्का था, उस वजह से बंद कर दिया जी। यहाँ पे रेस्टोरेंट भी, पढ़ाई भी ख़त्म कर दिया, रेस्टोरेंट भी था। पढ़ाई कहाँ तक? पढ़ाई में क्या, स्कूल भी ख़त्म कर दिया। अच्छा, कहाँ तक पढ़े? स्कूल भी ख़त्म कर दिया और कॉलेज भी नहीं कर दिया। जो जब तालिबान आ गया ना, इस वजह से पढ़ाई भी छोड़ दिया। पहले और तालिबान और वो पुराना गवर्नमेंट में बीच में लड़ाई था ना, कोई दिक्कत था। दिक्कत, मेरा पापा आर्मी था ना, मैं अफगानिस्तान का आर्मी। ये अफगानी शवरमा है और उधर अफगानी चपली कबाब है, ये अफगानी समोसा है, अफगानी तंदूरी समोसा है, ये तंदूरी समोसा है, अफगानी समोसा है। इसमें क्या लगता है? इसमें अंदर फिलिंग चिकन है। चिकन फिलिंग? हाँ जी। अच्छा, और ये अफगानी चपली कबाब है। अरे वाह। अच्छा दिखाइए, एक एक दिखाइए। ये अफगानी चपली कबाब है और उसके साथ ये अफगानी रोटी भी है, अफगानी रोटी है। अच्छा, ये कितने का है? ये उसके साथ कबाब के साथ 50, 50 का। अच्छा, बहुत बढ़िया। और क्या क्या होता है अफगानी? और अफगानी बर्गर भी है, वो अंदर हम बना रहे। अच्छा, वो कितने का होता है? अफगानी बर्गर में 100 रुपये। अफगानी बर्गर में अफगानी रोटी है, फ्रेंच फ्राइज है, बॉयल अंडा, चिकन, सब्जी, फलाफल, सलाद, प्याज, टमाटर सब आएगी। सब डलता? सब डलता। यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं इंडिया में? नहीं। इंडिया के बारे में क्या कहोगे? इंडिया के बारे में, इंडिया में बहुत अच्छा लोग है, बहुत अच्छा रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा करेंगे। जब वो सुना है कि ये अफगानी लोग यहाँ पे आएंगे काम करेंगे, रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत अच्छा लोग है। हादरस बटला हाउस चौक, जामा मस्जिद में, दिल्ली। नोमास मुस्तफ़ा मद बटला हाउस कौर में कनम जो दुकान डोरम जमान मुस्तफ़ा दे दगा से बटला हाउस से दगा करूँ, काम करूँ, कार करूँ। उर्दू एक साल हो गया यहाँ पे सीखा है, इतना सीखा है अभी ज़्यादा। पहले रोटी भी गर्म करेंगे, उसके बाद ये चिकन भी डालते हैं। और उसमें ऊपर से म्यूनीज डाल दूँ, ये म्यूनीज है, ये म्यूनीज भी हम खुद बनाते हैं। अच्छा जी। ये हरी चटनी है, ये हो गया आपका चिकन, ये अफगानी चपली कबाब है। थोड़ा सा हरी मिर्च डालते हैं हम, प्याज डालेंगे और टमाटर है, सूखा दानिया है। कितने का है? बस ये 50 का है। 50 रुपये जी। ये अफगानी रोटी है, ये हम अफगानी में हम नान बोलते हैं इसमें। नान जी। फोन पे तो है जी।
बस हरी चटनी, ये अफगानी समोसा है, ये हम तंदूर भी बनाते हैं, इसमें ऑयल भी नहीं है, ऑयल फ्री है ये। ऑयल फ्री है ये जी। और ये ऊपर क्या डाला हुआ है? इसमें ऊपर ये कलुंजी है। अफगानिस्तान का जायका, अफगानिस्तान का स्वाद, और ये मुस्तफा भाई लेकर आए हैं हमारे लिए। भाई साहब इतना बड़ा अफगानी चपली कबाब, क्या बात है, और अफगानी रोटी, इतनी मोटी रोटी, अफगानी नान इतना बड़ा, अरे भाई साहब बहुत बढ़िया, हरी चटनी के साथ दिया। तो भाई साहब आज दावत होगी अफगानी इंडिया के अंदर, बहुत बढ़िया। बटला हाउस पर हूँ मैं, जाकिर नगर में, हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की मेरी मुहिम जारी है। इस मुहिम में नए नए जायके, नए नए स्वाद आपको दे रहा है। तो अब जाकिर नगर के पास बटला हाउस में अफगानी समोसा, भाई साहब ये समोसा आपने नहीं देखा होगा, ऑयल फ्री अफगानी समोसा है, ऑयल फ्री है, चिकन समोसा अफगानिस्तान का, भाई ये सिर्फ 30 रुपीज का भाई साहब। तो आज की जो दावत है भाई साहब, पूरी अफगानी दावत होने वाली है, शानदार। और टेबल मेरे सामने लग चुकी है, यहाँ पर छोटा सा कैफे इनका बटला हाउस पर, और यहाँ पर बैठ कर इसका स्वाद लिया जाएगा, जायका लिया जाएगा। और हम कहाँ पर हैं? बटला हाउस पर हैं, जाकिर नगर में मुहिम चल रही है हमारी, बटला हाउस बराबर में। अगर आप जाकिर नगर आए तो बटला हाउस का स्वाद और जायका लेना आप नहीं भूलें। यहाँ पर अफगानिस्तान का स्वाद है, अफगानिस्तान से जो लोग इंडिया आए हैं वो यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं, अपने हाथ का वहाँ का ट्रेडिशनल जो टेस्ट है, जो स्वाद है, जो जायका है, वो दे रहे हैं। तो अब जल्दी से इसका जायका लिया जाएगा और आप तक पहुँचाया जाएगा। तो सबसे पहले किस चीज़ का लिया जाए? सबसे पहले अफगानिस्तान का शावरमा। भाई साहब फीलिंग दिखा दूँ अंदर से आपको मैं, रोटी भी अलग है, फीलिंग देखिए, चिकन थोड़ा लाइट मसाले होते हैं अफगानिस्तान में, लाइट मसाले खाए जाते हैं, भाई बता रहे हैं। अलग ही टेस्ट है भाई, बहुत बढ़िया है। मैंने अलबेग का शावरमा भी खाया है, बहुत शावरमा खाए हैं, अलग ही टेस्ट है इसका, मतलब बहुत बढ़िया, एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया। आप क्या चीज़ खाई जाए? अफगानिस्तान की रोटी भाई साहब, नान है, चपली कबाब के साथ, चपली कबाब। साउथ तो नहीं आता है, वो ज़्यादा है, टेस्ट बहुत बढ़िया है। मुझे लगता है रोटी से अलग से खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगा। बहुत लाजवाब भाई साहब, बिना रोटी खाता हूँ, बहुत बढ़िया। समोसा बिना आलू वाला समोसा है भाई साहब। अच्छा फीलिंग देखिए इसकी, इसमें आलू नहीं है, चिकन है इसके अंदर, चिकन का समोसा है, अंदर की, और जो इनकी चटनी है ना, चटनी लाजवाब है इनकी भाई साहब, अलग ही लेवल है चटनी का, मज़ा आ गया। समोसा थोड़ा सख्त है लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान का स्वाद है तो वैसे भी हमें सपोर्ट भी करना चाहिए और स्वाद लेना चाहिए कि जगह जगह हम खाते हैं, जो लोग हमारे मेहमान हैं बाहर से आए हुए उनके हाथ का स्वाद और जायका भी लेना चाहिए। तो अल्टीमेट है, बहुत बढ़िया है। तो हमारी हाइपर लोकल स्ट्रीट फूड को बढ़ावा देने की जो मुहिम चल रही है उसमें भी आप सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, बताइए आपकी भूख बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, जय हिंद।